9:30 बजे, तो मैं आपको उधर जाके बताऊंगी कि क्या है आगे क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो फिर कैसे आप सब एकदम बढ़िया 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 बढ़िया। सो गाइस टाइम हो चुका है 7:07 और आज भाई आज ना इतना अच्छा वो स्पेशल दिन है ना मेरी जिंदगी में पहली बार आ रहा है। सो गाइस मुझे ना जिंदगी में पहली बार फेयरवेल मिल रहा है। फेयरवेल ज़्यादा हो गया। सो गाइस फेयरवेल मिल रहा है आज और 11 बजे तक मेरा फेयरवेल स्टार्ट होगा और उससे पहले आप लोग सोच नहीं सकते मेरे साथ क्या हो रहा है। उससे पहले 9:30 बजे वो मैं आपको उधर जाके बताऊंगी कि क्या है आगे 9:30 बजे क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो फिर मेरा ब्लॉग तो 9:30 बजे मैं बताऊँगी उधर क्या होने वाला। तो मुझे 9:30 से पहले थोड़ा सा पहले कॉलेज पहुँचना है। अभी 7 बज गए और मेरा फेयरवेल है तो मुझे साड़ी पहननी है तो मुझे आज टाइम होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा मैं होती हूँ तैयार और आपको मिलती हूँ सीधा तैयार हो के। तो गाइज अपन ना रेडी हो चुका है। सो मतलब मैं आधे घंटे पहले रेडी होके बैठी थी तो गाना सुनती थी मैं। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। वो चश्मा खोल लेता हूँ। 1 2 3 Go! So guys, ये मतलब पूरा तो अब आपको ऊपर से लेके नीचे तक तो मैं नहीं दिख सकती है ना। सो बस मैं बाद में जब वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं डाल दूंगी वो। मुझे लगता है यहाँ भी पिन लगाना पड़ेगा। कहाँ पिन लगाना पड़ता है साड़ी में आपको पता है। मैंने ना पहली बार साड़ी लगाई है। नीचे करके थोड़ा पिन। ये देखो गाइस जो मैंने ये बनाया ना ये मैंने खुद ही बनाया है वो भी पहली बार। आप लोग वो कर सकते हैं मतलब पहली बार में मैंने इतनी अच्छी साड़ी लगा दी। अपनी तारीफ अपने मुंह से ही। सो गाइस बस अभी मेरा दोस्त आने वाला है थोड़ी देर में उसके साथ चलते हैं। 9:30 बजे आपको बताना है मैंने क्या होने वाला है मेरे साथ। बहुत दुख भरी कहानी है आपको कॉलेज जाके बताऊंगी। बाय। मुझे आके हमने ये करना था ये भाई इतना तैयार होके आए और हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सभी का प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ पे। वो देखो वो भी इतनी मुश्किल हो रही है ना इतनी मुश्किल मैं क्या बताऊँ यार। चलो कर लेते हैं 11 बजे तक करते हैं फिर भाग जाते हैं हम लोग। सो गाइस हम अपना आधा प्रैक्टिकल देके आए हैं और आधा हम कल देंगे और बस यहाँ पे रिबन कटिंग हो रहा है समथिंग। सो मिलते हैं देखते जाओ। सभी खड़े हैं यहाँ पे रेडी हो गए। हाय गर हाय गर हाय गाइस हाय गाइस नहीं पुराने को फोन करने जा रहे हैं। हाय करो सभी प्लीज। हाय गाइस थोड़ा फोटो शूट हो रहा था अब शायद एंट्री हो जाएगी। मेरे हिसाब से होनी चाहिए हो ही जाएगी। मार जरा बेबी मेरे फोन पे मैं तेरा ये बात तू जान ले
बेबी मेरी बात सुन, तू जरा गौर से फंस चुका मेरा दिल तेरे प्यार बन जा, आज तू मेरी जान, करता हूँ मैं तुझसे प्यार, मत कर तू मुझसे इनकार, नाम मेरा है अनिकेत कुमार। चल शुरू हो जा। प्रस्तुत हो रहा है लाहौली डांस, वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं, यहाँ पे लड़के हैं, लेट्स एंजॉय। गुलाब जामुन चटनी, कोका कोला भी मिल चुका है। क्यों हंस रही है? मैंने क्या बोल दिया था?
हमारा फंक्शन खत्म हो चुका है, हम इतना नाचे ना मजा ही आ गया। खतरनाक मेरे को तो भाई सुनाई भी नहीं दे रहा, कान भी टौना हो गया। तो गाइस यहाँ पर अभी फिलहाल फोटो शूट हो रही है, देखो आप देख लो, ये देखो देख लो। ओए हाय बोलो। हाय गाइस, मिस्टर बदमाश फॉलो करो इस लड़की को, सब्सक्राइब एंड फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बनाने का जल्दी फॉलो करो इसको गाइस। मिस्टर फेयरवेल, ये रहा हमारा मिस्टर फेयरवेल, मिस फेयरवेल। कई सबका अलग अलग चल रहा है भाई, धूप है इतने धूप है, भयंकर दिमाग खराब हो गया, पसीना आ गया, पर भी फोटो खिंचाएंगे भाई, अच्छे फोटो आने चाहिए, अच्छी ऐसे धूप में ऐसे अच्छी आती है। देखो अभी कितने अच्छे आ रहे हैं, वीडियो में भी कितने अच्छे आ रहे हैं, देखो देखो कहाँ भाग गई तू। सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है, इतने सैंडल लगे ताम झाम बो के भाई, सो डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अस। मेरी साड़ी खुल जाएगी भाई, सभी जा रहे हैं अब घर वापस। बहुत मज़ा आया आज, इतना नाचा मज़ा ही आ गया। मैं सीढ़ी चढ़ गई, वीडियो तो मैंने बना लिया था ना, मेरे को देखो मिस फेयरवेल मिला है, मिस फेयरवेल साथ में गिफ्ट भी मिला है, मतलब मैंने चिकनी चमेली में डांस क्या करती है भाई, मिस फेयरवेल मेरे को वो नहीं था, ये मुझे मिलेगा, मुझे लगा रैम वॉक के उसमें मिलेगा, तो रैम वॉक तो हुआ नहीं, कह तो रहे थे वो करेंगे बोल के, पर बच्चे वगैरह उठे नहीं रैम वॉक के लिए, सुना ही हुआ डांस रूम्स हो गया। और जो टास्क दिया था मेरा पहले टास्क आया था कि क्या आया था, मिमिक्री करने के लिए, तो उन्होंने बोला ये रहने दो, फिर मैंने दूसरा उठाया, उसमें था पहाड़ी कोई जोक मारने के लिए, मेरे को पहाड़ी आती नहीं थी तो मैंने वो भी नहीं किया, फिर मैंने तीसरा उठाया, उसमें लिखा था डांसिंग चिकनी चमेली, अरे पैं जो चल कर देते हैं, और मैंने कर दिया और मैं मिस फेयरवेल बन गई। आपको गिफ्ट दिखाऊंगी आपके, मुझे गिफ्ट क्या मिला है। फिलहाल मैं घर जा रही हूँ, मेरा दोस्त है वो मेरे को लेने भी आया था, वो मेरे को छोड़ने भी आई, जा रहा है बेचारा, तो उसके साथ चलते हैं अभी। इतनी जोर की सुस्सू आई है ना भाई साहब, पानी भी इतनी खतरनाक पैसे, एक तो साड़ी में सुस्सू भी नहीं किया जाता भाई, घर जाके आराम से मज़ा आ गया है ना भाई, मतलब इतना मज़ा आया ना, इतना नाचे ना, पैर दर्द कर रहा है, कब पता चलेगा, कर दो जल्दी आना है पेपर, वो कल हमारा 9:30 बजे पेपर है, वो प्रैक्टिकल आज आता जो आधा छोड़ के आए थे हम लोग, तो कल भी हमारा प्रैक्टिकल है। मैम बोल रही तुम्हें 70 मार्क्स जरूरी है या फेयरवेल जरूरी है, हमने बोला मैम दोनों। ज़्यादा फेयरवेल यार ऑब्वियस ही बात है, हम ना हमने 12th में लिया था ना इसमें लेंगे, तो फिर ये कि मज़ा थोड़ी आएगा यार, कला वो भी देखना, तो जो भी है मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच सेकेंड ईयर वाले, यहाँ से ना मेरे पैर सुन्नी का सा सुन गए मतलब सूज गए, यहाँ से मेरा पैर कितना गंदा हो गया, यहाँ से ना इतना दर्द हो रहा है ना, यहाँ पे कल मेरा प्रैक्टिकल है 9:30 बजे, मैं सोच रही थी कल ना जाऊँ कॉलेज पर, मुझे जाना पड़ेगा, आज भी प्रैक्टिकल था गाइस, वही बोल रही थी मैं 9:30 बजे आपको बताऊंगी क्या है वो प्रैक्टिकल, दिमाग खराब, आधा ही करके आए और आधा कल करेंगे। मैंने साड़ी अभी तक नहीं खोली, कब से सुस्सू आई है वो भी नहीं किया, मैं थक गई हूँ, मैं सबको वीडियो कॉल करके दिखा रही थी कि मैं मिस फेयरवेल बनी हूँ, मिस फेयरवेल, इस लड़के को विश्वास नहीं हो रहा मैं मिस फेयरवेल बनी हूँ बहन, ये क्या मैं, आपको क्या लगता है किसी का चोर क्या है, हाँ, मैं किसी का चोर है, अभी भाई इसके दोस्त भी हो सकते हैं बोल रहे, क्या ये चोर है ना, ये आज बकायदा गिफ्ट भी, गिफ्ट सब पहला पांचा, ये पांचा सब पहला पता क्या पायो, ये 20 रुपए का पेन, तो मम्मी फेयरवेल बने ना गाइस, ये देखो मेरे को 20 रुपए वाला पेन तो चलो सबको मिला है ना, और मेरे को ये मिला, ये देखो माय बॉटल, शीशा का बॉटल मिला है मुझे, यार इस तो मेरे माथी धब्बा लगाने ने, ठीक से नहीं, मैं सच में मिस फेयरवेल, इनको यकीन ना हो ना हो गाइस, आपको होगा क्योंकि मैंने वो भी डाली हाँ करूंगी ना पोस्ट, मैंने क्योंकि वो भी डाली है, वो जब मैं मिस फेयरवेल का मेरे को शैशे पहना रही थी ना, मजा आ गया, मतलब इतना मजा आया ना, मैं तो ऐसे हाँ करके बैठी हुई थी, मेरे को लगा मैं कहीं आऊंगी, पर मतलब मेरा चिकनी चमेली वाला डांस शायद काम कर गया है ना, हाँ मैं चिकनी चमेली में नाच के आई थी, तो मुझे मिस फेयरवेल बना दिया, बस इतना ही, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, खत्म करते हैं व्लॉग को, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, शायद ही नेक्स्ट व्लॉग बनेगा क्योंकि मेरा एग्जाम्स आने वाले हैं, अब तो बंद है 1-2 महीने तक, यूट्यूब बंद, कहीं नहीं घूमूंगी, एग्जाम्स इज इंपॉर्टेंट, एग्जाम के बाद देन आई विल कम, बाय बाय। आज हम पर तिरछी नजर।
ज़्यादा सीढ़ी चढ़नी है भाई, इतना सैंडल।